नमस्कार, मैं शिवानी बिहारी न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूं। और आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे मखाने के ऊपर। मखाना को भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है। बहुत से लोग इसे भूनकर खाना पसंद करते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो इसकी खीर बनाकर खाना पसंद करते हैं। इस तरह भिन्न भिन्न स्वाद का लुत्फ उठाया जा सकता है। वहीं आपको यह जानकर हैरानी होगी कि स्वाद के साथ ही यह सेहत के लिए भी अत्यधिक लाभकारी है। आज के वीडियो में आपको मखाने के फायदे के बारे में बताऊंगी। उससे पहले ये जानते हैं कि आखिर मखाना होता क्या है। मखाना कमल के बीज को कहते हैं। यह एक स्वादिष्ट और पौष्टिक खाद्य पदार्थ है। इसे कई नामों से जाना जाता है, जैसे फॉक्स नट, फुल मखाना, लोटस सीड और गॉर्गन नट इत्यादि। वहीं इसके बीजों को भूनने के बाद इसका उपयोग कई प्रकार की खाद्य सामग्री में किया जाता है। इसके अलावा यह कई प्रकार के पोषक तत्वों से भरपूर होता है, जो सेहत के लिए फायदेमंद होता है। अब बिना देर किए मैं आपको मखाने के फायदे के बारे में बताती हूँ। मखाना में कई प्रकार के औषधीय गुण पाए जाते हैं जो स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। मखाने में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी ट्यूमर प्रभाव पाया जाता है। इसके अलावा इसका सेवन बुखार, पाचन तंत्र सुधारने में और दस्त के लिए भी किया जा सकता है। इसके अलावा यह कई खास एल्कलॉइड से भरपूर होता है। ये सभी गुण और प्रभाव मखाने को स्वास्थ्य के लिए उपयोगी बनाते हैं। इसका उपयोग मोटापे की समस्या से छुटकारा दिलाने में मददगार साबित हो सकता है। कमल के बीज यानी मखाना का एथेनॉल अर्क शरीर में फैट सेल्स को नियंत्रित करने में मददगार साबित हो सकता है। साथ ही यह फैट सेल्स के वजन को भी कम कर सकता है, इसलिए ऐसा कहा जा सकता है कि इसका उपयोग वजन को कम करने में सहायक होगा। ब्लड प्रेशर में भी मखाने के फायदे को देखा गया है। मखाने के नियमित इस्तेमाल से इस गंभीर समस्या से काफी हद तक राहत पाई जा सकती है। कारण यह है कि इसमें पाया जाने वाला एल्कलॉइड हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर की समस्या को नियंत्रित करने का काम करता है। इसलिए ब्लड प्रेशर की समस्या को नियंत्रित करने के लिए मखाने का सेवन किया जा सकता है। डायबिटीज की समस्या से राहत पाने के लिए भी मखाने का उपयोग किया जाता है। मखाने में पाए जाने वाले रेसिस्टेंट स्टार्च में हाइपोग्लाइसेमिक यानी ब्लड शुगर को कम करने वाला प्रभाव पाया जाता है। यह प्रभाव डायबिटीज की समस्या को नियंत्रित करने में सहायक साबित होता है। इसके अलावा यह इंसुलिन को भी नियंत्रित करता है। मखाना बढ़ते वजन को भी नियंत्रित कर सकता है। वहीं हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और मोटापे को हृदय रोग का खतरा माना जाता है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि मखाने का सेवन इन समस्याओं से बचाव कर सकने में कामयाब होगा। प्रेगनेंसी में मखाना का सेवन करना फायदेमंद हो सकता है। गर्भावस्था में महिलाओं के लिए मखाने का उपयोग कई प्रकार के पकवानों में मिलाकर किया जाता है। इसका उपयोग प्रेगनेंसी के दौरान और पीरियड्स के बाद भी होने वाली कमजोरियों को दूर करने के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा इसमें कई प्रकार के पोषक तत्व जैसे कि आयरन, प्रोटीन, मैग्नीशियम और पोटेशियम जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो गर्भावस्था के दौरान महिला को स्वस्थ रखने में मदद कर सकता है। मखाने का उपयोग किडनी के लिए भी फायदेमंद हो सकता है। इसके सेवन अन्य समस्याओं जैसे दस्त के साथ किडनी से जुड़ी परेशानियों से बचाव का काम कर सकता है। फिलहाल यहाँ स्पष्ट नहीं है कि इसका कौन सा गुण किडनी की समस्या को ठीक करने में लाभदायक होगा। त्वचा से संबंधित समस्याओं में भी मखाने के फायदे देखे गए हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण होता है। यह गुण त्वचा पर आने वाले एजिंग के प्रभाव जैसे झुर्रियों को दूर करने में मददगार साबित हो सकता है। वैसे तो मखाना खाने के कोई सटीक नुकसान नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान देने योग्य बातें हैं जो आप जरूर जानें। मखाना में फाइबर की मात्रा होती है। ऐसे में अधिक सेवन से मखाने के नुकसान में गैस और पेट में ऐंठन हो सकता है। कुछ लोगों को मखाना खाने से एलर्जी हो सकती है। ऐसे स्थिति में डॉक्टर से तुरंत सलाह लें। आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। और हम आशा करते हैं कि मखाना से संबंधित हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप किसी विषय पर हमसे कुछ और पूछना चाहते हैं तो हमें आपके सवालों के जवाब देने में खुशी होगी। आप हमें अपने सवाल कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।